सदर बाजार स्थित मिलन मैरिज पैलेस के सभागार में अखिल भारतीय केवट क्योट और कार्यकर्ता महासभा की तैयारी को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के सैकड़ों केवट समुदाय के लोग शामिल हुए। बता दें कि आगामी 26 नवंबर को पटना में केवट महासभा का सम्मेलन का आयोजित होने वाला है, जिसकी तैयारी को लेकर यहां बैठक की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि जब तक इस समाज के लोग जागरूक नहीं होंगे, तब तक उन्हें समुचित अवसर नहीं मिल पाएगा। 80-82 तक हर एक जातियों की महासभा होती थी, बहुत दिन से महासभा नहीं हुई है, इसीलिए ये राष्ट्रीय महासभा हम लोग करने जा रहे हैं। इसका तो मुख्य उद्देश्य है कि जातियों का संगठन बनना, जाति संगठित हो, शिक्षित बने, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सो प्रकाश जगे, संघर्ष करने की मादा आवे, जो शिथिलता एक आ गई है जातियों में, उस शिथिलता को दूर करके हम लोग चाहते हैं कि संघर्ष की राह पर चले। सुपौल से आकाश कुमार के साथ विजय गुप्ता की रिपोर्ट। रानी सदी दादी महोत्सव के मौके पर आयोजित नृत्य और संगीत कार्यक्रम में रात भर दर्शकों ने भक्ति के रस में गोते लगाए। बता दें कि त्रिवेणी गंज थाना क्षेत्र के त्रिवेणी गंज बाजार स्थित दुर्गा मंदिर कैंपस में इस मौके पर अखंड ज्योति जागरण का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन में बाहर से आए कलाकारों द्वारा कृष्ण लीलाओं पर खूबसूरत नृत्य और गीत प्रस्तुत किए गए, जिसे रात भर दर्शकों को देखने और थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। सुपौल से आकाश कुमार के साथ विजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल GBN24 न्यूज के साथ। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।